से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो, आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम मनुष्य के डर के विषय में बातें करेंगे। मेरा विश्वास है कि अलग अलग तरीकों का डर लोगों पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है और मनुष्य का डर उनमें से एक है, परंतु ये बहुत ही भयानक है। मैं विश्वास करती हूँ कि यदि हम मनुष्य के डर में जिएंगे तो वो सच में हमारी मंजिल नाश कर देगा। मुझे प्रतीत है कि हमारी एकमात्र सच्ची आशा है कि हम डर से आजाद जीवन जिए, वो केवल परमेश्वर का प्रेम जानने से ही पूरी होगी। बाइबल कहती है कि सिद्ध प्रेम सारा डर दूर करता है। इसीलिए आज के कार्यक्रम में हम बांटना चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है और आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप डर से आजाद जीवन जी पाएं, शिक्षा का आनंद लें। जानने का अर्थ है समझना, पहचानना और उसके विषय सचेत होना, उसे निहारना और उसके साथ अनुभव रखना है। तो जब मैं कहती हूँ मैं जानती हूँ कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, तो मुझे उन मार्गों को जानना है जिनके द्वारा परमेश्वर रोज अपना प्रेम मेरे प्रति दिखाता है। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर एक दिन में अपना प्रेम हमारे प्रति कितनी बार प्रकट करता है और हम उसे देखते भी नहीं, उसकी ओर ध्यान भी नहीं देते, उसे पहचानते भी नहीं। कुछ छोटे प्रयोजन, कुछ छोटी कृपा, जब आपको पार्किंग प्लेस चाहिए तब उसका मिलना, रेस्टोरेंट में अच्छी सीट, चाहे वो कुछ भी हो। मैं सोचती हूँ कि यदि आप डायरी लेकर सब कुछ लिख लें जहाँ परमेश्वर ने अपना प्रेम उन पर प्रकट किया और फिर वे उसे पढ़ें तो उत्तम होगा। परमेश्वर आपके लिए जो करता है उसे देखकर आप आश्चर्य करेंगे। यदि आप उसे प्रथम रखेंगे और कभी कभी उसे देखेंगे तो इससे आप परमेश्वर के बहुत ही करीब महसूस करेंगे और ये हमारे जीवन के कुछ क्लेश और सताओं पर विजयी होने में हमारी मदद करेंगे। परमेश्वर के प्रेम के विषय सचेत रहें, उसे समझें, उसे पहचानें, उसे देखें और उसका अनुभव करें और परमेश्वर के प्रेम में विश्वास करें, भरोसा करें और परमेश्वर ने आपके लिए जो प्रेम रखा है उस पर आधारित रहें। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में रहता और बना रहता है वो परमेश्वर में रहता और बना रहता है और परमेश्वर उसमें वास करता है और निरंतर बना रहता है। इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ और पूरा हुआ कि हमें न्याय के दिन हिवाव हो। यदि हम नहीं जानते कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो हम हिवाव नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो हमारा हिवाव है। फिर हमें उसके सामने जाने के लिए हिम्मत और शाश्वती मिलती, क्योंकि जैसे वो है वैसे हम भी संसार में हैं। वचन 18, प्रेम में भय नहीं होता है। प्रेम में कोई भय नहीं होता है, डर अस्तित्व नहीं रखता है, वरन सिद्ध प्रेम, पूरा बढ़ा हुआ सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है और भय की निशानी दूर कर देता है। क्योंकि भय से कष्ट होता है, इसलिए जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है, वो अब तक प्रेम की पूरी सिद्धता में नहीं बढ़ा है। तो मुझे ये क्या बताता है, यदि मेरे जीवन में डर है तो मुझे परमेश्वर के प्रेम के विषय में और अधिक जानना जरूरी है। तो आज यहाँ कितने लोग कहेंगे मुझे परमेश्वर के प्रेम के विषय और जानना है। ठीक है, एक बार देखने की मैंने प्रेम के विषय अध्ययन करना शुरू किया। मैंने उसका अध्ययन किया। मैंने कॉपी में वचन लिख लिए, मैंने वचन को याद किया, जोर से बोलकर उनका अंगीकार किया। मैं दिन में एक काम जरूर करती हूँ और वो था कि मैं उसे कई बार जोर से कहती थी और मैंने वो परमेश्वर के निर्देश पर किया कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मुझसे। कई बार मैं आईने के सामने जाकर खुद को देखती थी और कहती थी कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। मुझसे परमेश्वर, दूध वाला नहीं, पोस्टमैन नहीं या दुकान का क्लर्क नहीं, वरन परमेश्वर। आप समझ रहे हैं, हम यही परमेश्वर के विषय बातें कर रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पूरी सृष्टि का रचयिता, मुझसे प्रेम करता है। ये सच में मेरे लिए अद्भुत है कि वो वाक्य
कितना सामर्थ्य है। पिछले महीने दो लोगों ने मुझसे कहा, जब आपने टेलीविजन स्क्रीन के द्वारा मेरी ओर देखकर कहा कि अपने आप से कहें परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, और मैंने उसे कहना शुरू किया तो उसने मेरे जीवन में क्रांति लाई। और मैं आपको बताती हूँ कि मैं जानती हूँ कि इस क्षेत्र में लोगों को मदद अवश्य चाहिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और यदि आप जानते कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तो कोई और प्रेम नहीं करता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। शायद मैं इसके साथ में या उसके साथ में मित्रता करने चाहूं, परंतु यदि संबंध में मैं उन्हें अपने ऊपर नियंत्रण करने और अधिकार करने दूं तो मैं उनके बिना कर सकती हूं। शायद आप में से कुछ अविवाहित हैं, मित्रता करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, यदि आपको करना पड़े तो आप इसके बिना कर सकते हैं, इसके बजाय कि आप समझौता शुरू करें और कुछ ऐसी बातें करें जो सही नहीं है। वो व्यक्ति आपको चोट पहुंचाए, इससे बेहतर है कि ना ही करें। आमीन। एक बार मैं खुद के विषय खेद महसूस करती थी और मैंने कहा कि प्रभु मेरे पास तुझे छोड़ और कोई नहीं है, मैं अकेली हूं प्रभु और मेरे पास तुझे छोड़ कोई और भी नहीं है। और मैंने पवित्र आत्मा की आवाज सुनी, बेचारी जॉयस परमेश्वर के साथ थम गई। ओह यीशु मेरी मदद कर। देखिए इफिसियों 3 ये कितना अद्भुत है कि सुबह हम जाग जाएं और बिस्तर पर लेटे सोचें परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और उसके पास मेरे जीवन के लिए उत्तम योजनाएं हैं। फिर जब शैतान आपको आपके कल की सारी गलतियों की सूची देता तो आप कह सकते हैं कि चुप बैठ, तेरा मुझसे कोई लेना देना नहीं। एक समय परमेश्वर ने मुझे वही बताया, उसने कहा तेरे पाप से शैतान का कोई लेना देना नहीं, तुम उसके नहीं हो, तुम मेरे हो। यदि आपका पड़ोसी आपके पास आकर बताएगा कि आपके बच्चों में क्या गलती है तो आप क्या कहेंगे? जानते हैं आप क्या कहेंगे? मेरे बच्चों के विषय में तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, मेरी जगह से चले जाएं। हाँ, आप क्या सोचते हैं कि जब शैतान उसकी संतान पर दोष लगाने की कोशिश करता है तब परमेश्वर क्या कहेगा? वो कहेगा मेरी संतान से तेरा कोई लेन देन नहीं है, मेरी जगह से दूर हो जा। हालेलुया। कुछ लोग आजाद हो जाएंगे, खुद को पसंद करना शुरू करेंगे और प्रभु का प्रेम जानेंगे और परमेश्वर के साथ अच्छी संगति का संबंध रखेंगे। यदि आप नहीं जानते हैं कि वो आपसे प्रेम करता है तो आप उसके साथ अच्छी संगति कैसे रख पाएंगे? वो आपसे प्रेम करता है। पौलुस इफिसियों के अध्याय 3:17 में कहता है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, स्थिर हो, वास करे और अपना घर बनाए, कि तू प्रेम में जड़ पकड़ कर और नींव डालकर। वचन 18 देखिए, सब पवित्र लोगों के साथ परमेश्वर के समर्पित लोग उस प्रेम का अनुभव पाए हुए के साथ भली भांति समझने की शक्ति कि उसकी प्रेम की चौड़ाई और लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है ये जानो, और मसीह के उस प्रेम को जानो। व्यवहारिक रूप में अपने लिए अनुभव पाकर जान सको जो बिना अनुभव के ज्ञान से परे है। क्या आप खुद से प्रेम करना और खुद से संबंध रखना शुरू कर सकते हैं? और जब आप खुद से प्रेम करना शुरू करेंगे तभी आप दूसरे लोगों से प्रेम कर सकेंगे, क्योंकि आपके पास जो नहीं है उसे आप दूसरों को नहीं दे सकते हैं। जो आपके पास नहीं है उसे आप कैसे दूसरों को देंगे? यदि आप में कोई शांति नहीं तो आप अपने घर में कैसे शांति ला सकते हैं? यदि कोई आप में शांति नहीं तो नौकरी की जगह पर आप शांति कैसे लाएंगे? यदि आपकी खुद के साथ नहीं निपटी तो आप दूसरों के साथ कैसे निभाएंगे? मैं कलीसिया जाती थी और एक दूसरे से प्रेम करने के विषय संदेश सुनती थी और मैंने कोशिश की, मैं उसे करना चाहती थी परंतु नहीं कर सकी, और मैं नहीं जानती थी कि मुझ में क्या गलत था। मैंने अपने विषय और बुरा महसूस किया, और फिर जब परमेश्वर ने मुझे सिखाया तो अंत में मैंने उसे पा लिया। मैंने अंत में जान लिया कि जो मेरे पास नहीं है उसे मैं दूसरों को नहीं दे सकती हूँ। मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो मैं उसे और किसी को नहीं दे सकती हूँ। परंतु मैं आपको कुछ बताऊं, परमेश्वर जो हर बात आपको देता है उसके विषय वो अपेक्षा करता है कि हम उसे दें। यदि ऐसी कोई बात है जिसमें कलीसिया असफल रही तो वो प्रेम में चलना है।
क्या आप जानते थे, क्या आपको मालूम था, ये तो मसीही का मुख्य चिन्ह है। यदि तुम एक दूसरों से प्रेम करोगे तो सब मनुष्य जान लेंगे कि तुम मेरे चेले हो। देखिए, प्रेम कोई संदेश नहीं है, प्रेम शब्द नहीं है, प्रेम है लोगों के साथ हमारा व्यवहार। प्रेम धीरजवंत और दयालु है और जलन या द्वेष नहीं रखता है। प्रेम देर तक सहता है, देर तक सहना नहीं, देर तक सहना है। आपको उस शब्द को खींचना है कि आप जानते इसका क्या अर्थ है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको उन बातों को दूर करना होगा जो आपको बहुत क्रोधित करता है, और आपको इसे लंबे समय तक पहनना है जब तक कि परमेश्वर उन्हें बदल न दे। आमीन। प्रेम कभी हिम्मत नहीं हारता, वो छोड़ता नहीं, टलता नहीं। प्रेम अपने साथ किए गए बुराइयों का लेखा नहीं रखता है। मुझे आपके विषय नहीं मालूम, परंतु मुझे बहुत दूरी तक जाना है। प्रभु हमसे जैसा व्यवहार करता है वैसा ही व्यवहार दूसरों से करने को कहता है। गलातियों 1:10 मनुष्य के डर के विषय में बातें करें। मैं वो नींव डालना चाहती हूं, क्योंकि यदि हम परमेश्वर का प्रेम नहीं जानते तो डर पर विजय होने की आशा नहीं है। यदि वो प्रेम नहीं जानते तो किसी और से प्रेम करने की आशा नहीं है। मनुष्य का डर तो सच में लोग क्या सोचेंगे, कहेंगे या करेंगे, इसका डर है। कई बार ऐसा नहीं होता कि हम इसलिए डरते कि वे हमारे साथ क्या करेंगे, वरन लोग हमारे विषय क्या सोचेंगे। हम कभी नहीं जानते कि लोग हमारे विषय क्या सोचते, तो फर्क नहीं पड़ता है। हम इतना डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, परंतु यदि वे कहना चाहते तो वे कहने के लिए कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं होता है। पौलुस ने गलातियों 1:10 में एक दिलचस्प बात कही है। तो अब मैं क्या मनुष्य की कृपा पाने की कोशिश करूं या परमेश्वर की? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता रहूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का मैं दास ना होता। वाह, जानते हैं वो क्या कह रहा है? यदि मैं मनुष्यों के बीच विख्यात होना चाहता था तो मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता था। कम ऑन नाउ, किसी को ये ले लेना है। देखिए, यदि परमेश्वर ने आपको कुछ करने के लिए बुलाया है तो आपको इनकार किए जाने की परीक्षा पास करनी होगी, क्योंकि जैसे मैं निश्चय यहां खड़ी हूं, शैतान कुछ काम करेगा कि आप कुछ लोगों की सराहना करें और उनके साथ संबंध में आए और वे आपका इनकार करें और आपको धीमा संदेश दे कि जो तुम कहते हो कि वो आपके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा है, यदि आप उसमें आगे बढ़े तो वे आपके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहेंगे। आपके जीवन में उस स्थान पर जहां दो रास्ते होते हैं, वहां आपको निर्णय लेना है कि आप क्या परमेश्वर के साथ जाएंगे या लोगों के। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहती हूं, मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर हमें स्तर और भिन्न रूप में उन्नति देते हैं। मैंने होम बाइबल में 5 वर्षों तक पढ़ाया और फिर परमेश्वर ने मुझे उन्नति दी कि मैं सेंट लुइस के चर्च में काम करूं, और फिर उसने मुझे मेरी खुद की सेवकाई में उन्नति दी। मेरे जीवन के उन हर जगह पर जब परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा था और मुझे अगले स्तर में ले जा रहा था, तब मैंने मेरे आसपास के लोगों से इनकार किए जाने के बहुत से अनुभव किए, और वे लोग उस समय मेरे जीवन में बहुत महत्व रखते थे। मैं कई वर्षों तक उसे समझ नहीं पाया और देख नहीं पाया, और फिर मैंने पीछे देखा। वो समय मेरे लिए गड़बड़ी का समय था। मैं बस परमेश्वर की आज्ञा मानने की कोशिश कर रही थी, सब मुझ पर क्रोधित थे। क्या यह अद्भुत नहीं कि आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं और लोग आप पर क्रोधित होते क्योंकि आप चाहते हैं जो परमेश्वर चाहता है उसे आप करें? ये तो सच में पूरे संसार में सबसे मूर्खतापूर्ण है। यदि वे परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं और आप चलना चाहते हैं तो वे नहीं जानते कि कैसे आपको जाने दे, क्योंकि फिर यदि आप उन्नति करते हैं और वे नहीं करते तो वे आपको पीछे रखने की कोशिश करते हैं ताकि वे बुरे ना देखें। कमऑन, मेरे साथ कुछ लोग हैं जो मुझे समझते हैं। मैं चाहती हूं कि वहां उठने वाले हाथ आप देखें। वे कहते हैं हां जानते हैं। इंग्लिश व्यक्ति इतनी जल्दी उत्तर नहीं देते, हां इसे समझें और मुझे प्रति उत्तर दें। आमीन। क्योंकि मैं इसकी आदि हूं। ये समय है कि हम अपने बक्से से बाहर आए। आमीन। इस हफ्ते के अंत में हम एक पार्टी कर रहे हैं।
देखिए ये डरा देता है। उसने कहा यदि मैं लोगों के साथ विख्यात होना चाहता हूँ तो मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि जिस रीति से मेरी परवरिश हुई सच में मेरे बहुत से मित्र नहीं थे और मैं स्कूल में कभी भी विख्यात नहीं हुई और मैं हमेशा ऐसी ही गुमसुम लड़की थी जिसे किसी के काम के साथ कोई लेना देना नहीं था। मैं कभी भी बॉल गेम्स या डांस के लिए नहीं गई, मैं कभी भी स्कूल पिक्चर के लिए नहीं गई, मैं हमेशा अजीब और थकी हुई और छोड़ी गई महसूस करती थी। इसीलिए मैं सच में चाहती थी कि मेरे बच्चे विख्यात हो। ये अजीब है कि कई बार जो हम चाहते हैं और वो हमें नहीं मिलता तो हम उसे अपने बच्चों के द्वारा पाना चाहते हैं, और ये किसी के लिए संदेश है आज। आमीन। उस पिता के समान जो फुटबॉल स्टार बना चाहता था लेकिन हो नहीं सका और जबरदस्ती अपने बेटे को फुटबॉल खिलाया, लेकिन बेटा चित्रकार होना चाहता था। अपने बच्चों को उनके व्यक्तिगत रूप वरदान और व्यक्तित्व में बढ़ने के मार्ग में उन्हें प्रशिक्षण दें। अपने सपने बच्चों के द्वारा पूरे करने की कोशिश ना करें और उस क्रिया में उन्हें उकसा कर नियंत्रण कर उनका जीवन ना चुन। हाँ, मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे विख्यात हों और दिलचस्प बात यह है कि उनमें से कोई विख्यात नहीं। मैं सच कह रही हूँ, उनमें से कोई भी विख्यात नहीं। और आप सोचेंगे कि ऐसे यहाँ लोगों के सामने अपने बच्चों के विषय बताना बहुत बुरा है। ये ऐसा नहीं कि उनके कोई मित्र नहीं है, परंतु वे क्लास प्रेसिडेंट नहीं थे, प्रॉम क्वीन, इसके राजा और उसके प्रेसिडेंट और कुछ भी नहीं थे। ओ, मैं चाहती थी कि वे विख्यात हों। जैसे वे सब बढ़ने लगे, परमेश्वर ने एक दिन मुझे दिखाया कि उसने मुझ पर कैसी कृपा की है। उसने कहा, एक बात तुमने नहीं जानी कि जो कुछ तुम चाहती थी यदि वे वैसे ही बन जाते बहुत ही विख्यात, तो वो उन पर एक बोझ डाल देता जो शायद उन्हें मुझसे दूर ले गया होता। तो आप देखिए, हम जो सोचते हैं कि हम चाहिए वो परमेश्वर हमें स्वाभाविक में नहीं देता है, तो वो सच में वो हमारी सुरक्षा करता है और हम नहीं जानते कि वो ऐसा कर रहा है। इसलिए हमें ये भरोसा करना सीखना है कि यदि हम जो चाहते वो परमेश्वर हमें नहीं दे रहा है, तो उसका ये अर्थ नहीं कि जो हम चाहते वो नहीं देता है। क्या किसी ने मुझे सुना? यदि हम जो चाहते वो परमेश्वर हमें नहीं देता है, तो उसका ये अर्थ नहीं कि परमेश्वर हमारी जरूरतें पूरी नहीं करेगा। हमारे पास योग्यता है कि हम उन बातों को मांगे जो हमें मार सकती हैं। हमारे पास योग्यता है कि हम उन बातों को मांगे जो हमें अलग कर सकती हैं परमेश्वर के साथ के हमारे संबंध से। मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे विख्यात हो। क्यों? सच बताऊं, ये सच में मेरे बच्चों के विषय नहीं था। इससे तो मैं खुद के विषय में अच्छा महसूस करती थी, क्योंकि बचपन में विख्यात न होने के कारण मेरे अंदर अभी जख्म थे। मैं जो थी उसे मैं पसंद नहीं करती थी। मैं खुद के विषय अच्छा महसूस नहीं करती थी, इसलिए मैं आसपास के सब लोगों से खुद के विषय में अच्छी भावना लेने की कोशिश कर रही थी। मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे ऐसे दिखे, चाहती थी मेरा घर ऐसा दिखे। मैं खुद को मूर्ख जैसा चला रही थी कि सब कुछ और सबको एक निश्चित तरीके से सही रखने की कोशिश करती थी, और मुझ में क्या गलती थी उसे मैं नहीं देख सकती थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे अंदर में गड़बड़ी महसूस कर रही थी, इसलिए मेरे आसपास सब कैसे दिखता है उसके अनुसार मैं अपनी कीमत और मूल्य रखती थी। सुनिए, आप मनोवैज्ञानिक के पास इसलिए बड़ी कीमत देते हैं, अच्छा है कि आप आंकड़े बढ़ाएं। बाइबल में भी यही संदेश है, यही उत्तर है जिसके लिए हम बड़ी कीमत देते हैं। आमीन। परमेश्वर जब लोगों को अगले स्तर पर बुलाता है तो बहुत से लोग वहां नहीं जाते हैं, क्योंकि वे डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। ओ, क्या दुख की बात है, मुझे शायद बेवकूफ समझा जाएगा। कल सुबह यहां कुछ लोग होंगे जो यहां आने के लिए छुट्टी लेकर आएंगे, ये मौलिक है। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, वे शुक्रवार सुबह कलीसिया में आने के लिए छुट्टी नहीं लेते हैं। आप इससे ना घबराएं कि लोग आपको मौलिक समझेंगे। यीशु ने कहा, मनुष्य के आदर की कामना ना करें। बाइबल कहती कि यीशु ने अपने आप को शून्य कर दिया। आपका अच्छा सम्मान और ये सोच आप निकाल दें, क्योंकि जिस समय आप सोचते हैं कि वो आपके पास है, तो तब कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो उसे बर्बाद करने की कोशिश करेगा। इस बात को निश्चित कर लीजिए कि क्या आप मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले होंगे या परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले होंगे। देखिए कुलुसियों 3। तिरस्कार तो दर्दनाक है, और हम सब तरह का दर्द दूर रखने के लिए सब कुछ करते हैं। जब कोई मनुष्य स्वीकरण के लिए आदि हो जाता है, तो यह मानो ड्रग या शराब की आदत के समान है जिसे ठीक करना है।
बातें मुश्किल होती हैं। वे उन बातों के लिए दौड़ते हैं जो उन्हें शांत कर देता है। जब कोई हमें स्वीकार नहीं करता तो हम बेचैन हो जाते हैं। यदि हम स्वीकरण के आदि हैं तो हम बदलाव लाना शुरू करते हैं, और हम बदलाव लाते हैं ताकि हम उनकी कृपा वापस पा सके, ताकि हम आजादी महसूस कर सके। ठीक है, मैं अब ठीक हूं, आप मुझ पर क्रोधित नहीं है, आप मुझे स्वीकार कर रहे हैं। ये तो जीने का भयानक तरीका है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों को बुरा रखने के लिए जो कर सकते हैं करें, परंतु वो चाहता है कि हम आजाद हों, कि हम जाने कि यदि वे हमारे साथ खुश नहीं तो ये हमारे जीवन पर नियंत्रण न रखने पाए, दूसरों की समस्याओं को आपका आनंद चुराने न दे। कमॉन नाउ, कुलुसियों 3:23, चाहे हमारा लक्ष्य कुछ भी क्यों ना हो, उसे आप पूरे दिल से करें जैसे आप परमेश्वर के लिए करते हैं, ना मनुष्य के लिए। हम लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लोगों से तारीफ पाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, हमारी पीठ पर थपथपाहट के लिए बहुत कुछ करते हैं। हमें याद रखना है कि जो कुछ हम करते हैं उसे हम प्रभु के लिए करें। यदि आप नर्सरी का काम बंद करते हैं क्योंकि कोई सराहना नहीं करता है, तो आपने गलत कारण से शुरू किया होगा। लोगों ने आपकी सराहना करनी चाहिए, और ये कुछ ऐसी बात है जिसके विषय परमेश्वर को लोगों के साथ निपटना होगा। परंतु मैं कह रही हूं कि यदि मैं इसे केवल लोगों के लिए ही करती तो मैंने इसे बहुत समय पहले ही छोड़ दिया होता, क्योंकि हमारी उम्र बढ़ रही है और ये तो दिलचस्प है। पिछले महीने लोगों ने मुझसे कई बार पूछा, जैसे लोग सामान्य रूप में इंटरव्यूज में करते हैं, कि क्या आप रिटायरमेंट के विषय में सोच रही। मैंने कहा, मैं आशा करती हूँ कि मैं उतनी बुरी नहीं दिखती हूँ। आप अपने जीवन पर की बुलाहट से कैसे रिटायर हो सकते हैं? मैं नहीं सोचती कि आप जाकर कहते हैं, हाँ परमेश्वर, मैंने रिटायर होने का निर्णय लिया। आप जो संसार में करते हैं उसके जैसा मैं नहीं कर रही हूँ। ये केवल एक नौकरी ही नहीं है, मैं जो कुछ कर रही हूँ वो प्रभु के लिए करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि लोग इसे पसंद करें। परंतु यदि वे नहीं करते तो लोग क्या सोचते, उससे अधिक परमेश्वर क्या सोचेगा, इसकी ओर मुझे अधिक ध्यान देना होगा। यदि मुझे करना पड़े तो मैं परमेश्वर के बिना नहीं कर सकती, लोगों के बिना कर सकती हूँ। मैंने निश्चय ही इसे अपमान के रूप में नहीं कहा, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हमारे पास वो मनोदशा होनी चाहिए, यदि मुझे करना पड़े तो मैं आपके बिना कर सकती हूँ, परंतु परमेश्वर के बिना नहीं। मेरे जीवन में मुझे परमेश्वर रखना है, मुझे परमेश्वर की कृपा चाहिए, परंतु आपके बिना मैं चला सकती हूँ। कमॉन, यदि हमारे पास वो मनोदशा नहीं है, और ये सच में बुरी मनोदशा नहीं है, ये स्वस्थपूर्ण मनोदशा है, नहीं तो फिर हम ये सोचना शुरू करेंगे कि हमारे पास वो व्यक्ति होना ही चाहिए, कि मैं आपके बिना क्या करूंगी, मैं आपके बिना क्या करूंगी। यहां तक कि प्रचारक भी सोच सकता है, यदि वो धनी व्यक्ति कलीसिया छोड़कर चले जाए तो चढ़ावा कम हो जाएगा, तो फिर आप उस व्यक्ति को अपनी कलीसिया में दशमांश देते रहने के लिए अपना संदेश बतलाना शुरू करेंगे। और जानते हैं परमेश्वर क्या कर रहा है? पिता परमेश्वर, हम तेरे पास यीशु के सामर्थ्य नाम में आते हैं, और तू चाहता है कि हमें प्रकाशन रखें कि तू हमसे कितना प्रेम रखता है। इसलिए मैं आज हर एक दर्शक के लिए प्रार्थना करती हूँ कि वे लोग तूने उनसे रखे प्रेम की ऊंचाई, गहराई, लंबाई और चौड़ाई को जान सकें, और अभी वे निर्णय ले सकें कि तेरे प्रेम को स्वीकार कर सकें, और वो उन्हें परिपूर्णता में बढ़ा सके। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरे प्रेम के द्वारा हमें जान लेना है कि हमें किसी भी बात से डरना नहीं है। सिद्ध प्रेम सब डर दूर करता है, और तेरा वचन कहता है, यदि परमेश्वर मेरी ओर से है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है, यदि परमेश्वर मेरी ओर से है तो मैं किससे डरूं। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने दर्शकों के जीवन में काम किया और उन्हें आजाद किया, यीशु के नाम में, आमीन। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं, आप सहभागियों का धन्यवाद देते हैं कि संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉयस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।